टू ऑल ऑफ़ यू। सो फ्रेंड्स, IBPS SO का फाइनल रिजल्ट आउट हो चुका है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन्स जिनका SO क्लियर हुआ है, क्योंकि एक IBPS SO क्लियर करना बहुत ही अच्छी बात है, और एक मतलब PO से भी अच्छी जॉब है ये SO की, ठीक है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन्स जिनका SO में क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम 10 से 20 वैकेंसीज होती हैं, ठीक है, या मतलब 100 तक इतनी होती है, इससे ज़्यादा मैंने कभी देखी नहीं, ठीक है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका हो गया, कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइए, और विश यू गुड लक। बहुत ही खुशी हो हुई होगी जिन भी कैंडिडेट्स का आज क्लियर हो गए, चाहे वो क्लर्क हो, PO हो या SO, क्योंकि अनएम्प्लॉयड से अच्छा है आप एक एम्प्लॉयड बन गए हो, अब अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा रहे हो। सो बहुत ही बड़ी बात है ये गवर्नमेंट जॉब क्रैक करना, और वो भी इस मतलब सब लोग सोचते हैं कि बैंकिंग सेक्टर तो ऐसी है कि क्या इनसे पेपर क्लियर नहीं हो रहे, लेकिन जो एग्ज़ाम दे रहा है उसको पता है कि कितना कंपटीशन हो गया है। ईयर बाय ईयर वैकेंसीज रिड्यूस होती जा रही हैं और कट ऑफ हाई जा रही है, क्योंकि कंपटीशन तगड़ा है यहाँ पे। SSC वाले भी हैं, बैंकिंग वाले भी हैं, इवन कैडमेट वाले भी यहीं पर आ रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनका उसमें नहीं होगा तो कैट की तैयारी करेंगे, तो कुछ तो उससे नीचे लेवल का वो डायरेक्ट SBI PO IBPS PO क्रैक कर ले जाते हैं, ठीक है। इसीलिए कॉन्ग्रेचुलेशन्स, आप अपने टारगेट पे फोकस रहिए, हारना नहीं है, अपनी गलतियों से सीखिए और आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।